हेलो शार्क्स, मेरा नाम राहुल है और जब भी मैं इंग्लिश बोलने की ट्राई करता हूं मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है और इसीलिए मैं लाया हूं ये प्रोडक्ट। इसमें आप एक साइड हिंदी डालेंगे, दूसरी साइड से इंग्लिश निकलेगी। अब हर इंसान इंग्लिश बोल पाएगा। सो डू वी हैव अ डील? यू हैव अ डील। ग्रेट, वेल डन। यस, हम में से बहुत से लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है। हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हम बोल ही नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड ब्लैंक। अगर आपका माइंड भी इंग्लिश बोलते हुए ब्लैंक हो जाता है तो कोई प्रोडक्ट या मशीन्स नहीं बल्कि ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि हमारा माइंड आखिर ब्लैंक होता ही क्यों है। दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिग्डाला, जिसका काम इमोशंस, मेमोरीज और डर वगैरह को प्रोसेस करना होता है। जब हमें डर होता है कि हमारे इंग्लिश बोलने पर कोई हमें जज करेगा या हमारा मजाक बनाएंगे तो एमिग्डाला आपके माइंड को हाईजैक कर लेता है। आप घबराहट के मारे कुछ भी नहीं बोल पाते और हमारा माइंड ब्लैंक। लेकिन 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 अगर आप यहां तक की स्टोरी समझ गए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब इससे आगे के स्टेप्स फॉलो करना आपके लिए बेहद आसान होगा। इस ब्लैंक होने वाली प्रॉब्लम से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और इस टेक्निक को कहते हैं इन वीवो डीसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब होता है जिस चीज से आपको डर लगता हो उसका सामना करना। और हमारे केस में ये इंग्लिश बोलना है तो हम अपने डर का सामना करेंगे और स्टेप बाय स्टेप खुद को इंग्लिश का एक्सपोजर देंगे। अपने कमरे का दरवाजा बंद कीजिए और शीशे के आगे जाकर खुद से इंग्लिश में बात कीजिए और उस समय जो मर्जी जैसी मर्जी इंग्लिश आती हो आपको बस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल हिंदी नहीं बोलनी। इंग्लिश में टीवी शोज या मूवीज देखते हुए सबटाइटल्स ऑन रखिए और किसी कैरेक्टर के बोले हुए सेंटेंस को रिपीट कीजिए। And she always found her way back in. इससे दो फायदे होंगे, एक आपका माइंड ट्रेंड होगा, दूसरा आप नए वर्ड सीखेंगे। किसी शो को सबटाइटल्स के साथ देखिए, फिर वापस उसी पार्ट को बिना सबटाइटल्स के देखिए और आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके लिए चीजों को समझना नेचुरल होता जा रहा है। बिना सबटाइटल्स को शो देखने से आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, जिससे आपकी लिसनिंग स्किल्स, फोकस और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। हम पहले चलना सीखते हैं और फिर दौड़ना। और क्योंकि आपने अभी इंग्लिश बोलना जस्ट शुरू ही किया है तो फैंसी या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की बजाय सिंपल वर्ड्स का यूज कीजिए, क्योंकि अभी तो हमारा सारा फोकस अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने पर है ना। अब इस बात का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। यस, आपको रेगुलर प्रैक्टिस की आदत बनानी होगी और चाहे कुछ मिनट्स के लिए ही सही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, किसी भी हालत में उसे मिस नहीं करना।